वेलकम ऑन इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल, मैं राकेश कुमार। आज की वीडियो में दोस्तों मैं बात करूंगा सिटी नेटवर्क के बारे में। दोस्तों आज की वीडियो में आपको ऑनलाइन सिटी नेटवर्क का रिचार्ज कैसे कर सकते हैं लाइव में आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। मैं एक वीसी नंबर के साथ आपको रिचार्ज करके दिखाऊंगा किस तरीके से सिटी नेटवर्क का बॉक्स आप अपने घर से ही ऑनलाइन रिचार्ज कर सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए बने रहे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और डिटेल में बताता हूँ। तो अभी दोस्तों मैं लैपटॉप स्क्रीन पर ले चलता हूँ और आपको एक एक करके जैसे कि आप देख सकते हैं मैं सिटी नेटवर्क के वेबसाइट पर हूँ। citynetwork.com इसका वेबसाइट का URL है। और इस वेबसाइट पर जब लॉगिन आने के बाद आपको अपने सेटअप बॉक्स रिचार्ज करने के लिए या तो आपके वीसी नंबर की ज़रूरत होगी या तो सेटअप बॉक्स या तो मोबाइल नंबर के जरिए आप रिचार्ज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक एक स्टेप बताता हूँ। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं सिटी नेटवर्क के वेबसाइट पर मैं आ चुका हूँ। यहाँ पर आने के बाद आपको क्विक रिचार्ज का एक बटन दिख रहा है, इस बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्विक रिचार्ज वाले बटन पर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रजिस्टर्ड नंबर, वीसी नंबर, यानी कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए या वीसी नंबर के जरिए आप यहां पे ट्रैक कर सकते हो अपने सेटअप बॉक्स को। तो मेरे पास एक वीसी नंबर है, मैं इस वीसी नंबर को यहां पे कर देता हूं टाइप। और मैंने ऑलरेडी एक वीसी नंबर लिया हुआ है टेस्टिंग के पर्पज़ से। तो यहां पे इस वीसी नंबर को हम लोग कर देंगे पेस्ट। करने के बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड का बटन है, इस प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड करोगे यहाँ पे आपका जो भी वीसी नंबर, मोबाइल नंबर, सब्सक्राइबर नेम, एसटीवी नंबर, एलसीओ नेम, सारा कुछ आपका डिटेल यहाँ पे दिखने लगेगा। ये करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे एक और बटन मिलेगा और यहाँ पे साथ ही यहाँ पे कुछ रीजन भी लिखा हुआ है, अमाउंट वंस रिचार्ज थ्रू इंस्टेंट रिचार्ज ऑप्शन कांट बी रिवर्स। अगर एक बार आपने रिचार्ज कर लिया तो पैसे वापस नहीं आएंगे, इसलिए केयरफुली रिचार्ज करिएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है डियर्स कस्टमर, इन केस योर अकाउंट इज नॉट रजिस्टर्ड प्लीज़ कॉन्टेक्ट योर एलसीओ। अगर आपका वीसी नंबर डालने के बाद अगर ये ऐसा डिटेल आपको नहीं दिखता है तो आप अपने एलसीओ को बोलिए, वो रजिस्टर कर देगा, फिर दिखने लगेगा। ऐसे जनरली रजिस्टर्ड होता ही है। यहाँ आने के बाद आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट पे जाना है। जैसे ही प्रोसीड टू नेक्स्ट पे आप जब जाओगे तो यहाँ पर आपको सीधा जो भी आपका लास्ट पैकेज जो चल रहा है उस लास्ट पैकेज का अमाउंट यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो गया है कि योर पेमेंट अमाउंट इज, जो भी आपका पैकेज होगा उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे पेमेंट दिख रहा होगा। हालांकि अभी यहाँ तक अभी आपको पूरे पैकेज और मनचाहा चैनल चुनने की ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं। फिलहाल इस लॉकडाउन के टाइम पर इतना फैसिलिटी दिया गया है कि आप अपने बॉक्स को रिचार्ज कर लें, आपका बॉक्स बंद ना रहे। तो यहाँ पर आपका जो भी अमाउंट होगा यहाँ पर दिख जाएगा। फिर यहाँ पे करना है प्रोसीड टू पे। तो प्रोसीड टू पे पे जब आप क्लिक करोगे तो सीधा जो पेज है रीडायरेक्ट हो जाएगा पेमेंट गेटवे पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं पेटीएम का पेमेंट गेटवे लगा हुआ है और एक इंजन को कुछ है समथिंग ऐसा लगा हुआ है पेमेंट गेटवे। तो मैं यहाँ पे पेटीएम वाले से करके दिखाऊँगा। तो पेटीएम वाले पर अगर आप क्या कर सकते हैं, पेटीएम वॉलेट से कर सकते हैं, भीम UPI से कर सकते हैं, पेटीएम UPI से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी भी मीडियम से आप कर सकते हैं। तो अभी मैं पेमेंट गेटवे पे मान लेते हैं पेटीएम मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। तो अगर इस पेटीएम को सेलेक्ट करने के बाद यहां पे पे नाउ पे जाना है और पे नाउ पे जाने के बाद सीधा जो रिडायरेक्ट हो चुका है सीधा पेटीएम के पेमेंट गेटवे ऑप्शन पर। और यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन आपको दिखा रहा है सेलेक्ट एन ऑप्शन टू पे। आप कैसे पेमेंट करना चाहते हैं, पेटीएम द्वारा करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, भीम UPI या नेट बैंकिंग। मान लीजिए कि अगर आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो नेट बैंकिंग पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आप रजिस्टर्ड ये जो बैंक है दिखने लगेगा, स्टेट बैंक, HDFC, ICICI, जो भी आपका बैंक है। अगर आपका बैंक यहाँ से लिस्ट नहीं शो हो रहा है तो आप यहाँ से इस ड्रॉपडाउन वाले से जो भी आपका बैंक हो यहाँ से आके सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप जो भी है वहाँ से पेमेंट कर लेंगे। अगर UPI यूज करते हैं तो भीम UPI पे करना है और जो भी आपका है UPI नंबर है यहाँ पे डाल के सीधा पे पे क्लिक कर देंगे। अगर क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं तो आप क्रेडिट कार्ड पे जाएंगे, जो भी क्रेडिट कार्ड डिटेल है वो डालेंगे और यहाँ पे क्रेडिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV पे नाउ करेंगे, पेमेंट हो जाएगा। अगर आप डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं तो डेबिट कार्ड का डिटेल डालिएगा और रिचार्ज हो जाएगा। अगर आप पेटीएम के जरिए करना चाहते हैं तो पेटीएम का जो भी नंबर होगा आपका वो डालेंगे, फिर उसके बाद रिचार्ज हो जाएगा। तो ये बेसिकली स्टेप्स है सिटी नेटवर्क पे ऑनलाइन रिचार्ज करने का। उम्मीद है दोस्तों इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स अभी आपने देखा सिटी नेटवर्क के प्लेटफॉर्म पे अब ऑनलाइन रिचार्ज करना बिल्कुल पॉसिबल हो चुका है क्विक रिचार्ज बटन के जरिए।
आप अपना सेट टॉप बॉक्स को ऑनलाइन रिचार्ज कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।